कि अपने मन से कोई भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं, एमी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं और बाद में मुझे पूछते हैं वहाँ पे अच्छा एजुकेशन नहीं है, वहाँ का मुझे माहौल से नहीं लग रहा है, तो यार आप एक गलती क्यों करते हो? अगर आप देखना है कि वहाँ पे एजुकेशन कैसा है, मतलब जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वहाँ पे कैसे हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि जो हमारा पटना का BIA कॉलेज है वो भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, वहाँ पे इंस्ट्रक्टर जो है वो भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। क्योंकि जो एनी कोर्स है वो ऑल ओवर इंडिया में इसका मॉड्यूल सेम है, इसका सिलेबस सेम है। यहाँ भाई ये सही है, लेने के बाद आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हो और फिर बाद में पैसा भी आपका वेस्ट होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, मायसेल्फ राजीव रंजन एंड यू आर वाचिंग द एविएशन माइंड। गाइस आज है इंडिपेंडेंस डे, यानी कि आज़ादी का दिन, सो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं उनको भी, जो लोग लाइक करते हैं उनको भी, जो लोग डिसलाइक करते हैं उनको भी, जो लोग प्यार करते हैं उनको भी, जो लोग प्यार नहीं करते हैं उनको भी। और गाइस आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने मन से कोई भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं, एमी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं और बाद में मुझे पूछते हैं कि भाई ये इंस्टीट्यूट कैसा है, इसमें क्या स्कोप है, यहाँ पे पढ़ाई होता है नहीं होता है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो जब आप एडमिशन ले लिए हो तो फिर पूछने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि अगर आप जेन्युइनली एमी में चाहते हो एडमिशन लेने के लिए, तो आपको क्या क्या करना होगा, आपको पहले क्या क्या देखना होगा कॉलेजेस के बारे में और कहाँ से पता लगाना होगा, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। उस पर नया हो तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, वीडियोस को लाइक करना भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह से एमी से रिलेटेड, एविएशन से रिलेटेड, जॉब वैकेंसीज के रिगार्डिंग, सैलरी के रिगार्डिंग मैं रेगुलर आपके लिए वीडियोस लाता रहता हूं। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट एक्साइटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो गाइस देखो, मैं देखा हूं बहुत सारे आप में से लोग ये गलती करते हैं, बहुत सारे मेरे को DM आते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब में आप लोग कमेंट करते हो कि भाई मैंने इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, किसी के कहने पे एडमिशन ले लिया है, मैं इसके बारे में ठीक से पता नहीं किया, लेकिन अब जब पता कर रहा हूँ वहाँ पे अच्छा एजुकेशन नहीं है, वहाँ का मुझे माहौल से नहीं लग रहा है, तो यार आप एक गलती क्यों करते हो? अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मैं वहाँ पे अभी धीरे धीरे रिप्लाई देना शुरू किया हूँ, तो आप ये गलती मत करो। देखो कोई भी कॉलेज चुनने से पहले, स्पेशली एमी कॉलेज मैं बता रहा हूँ, वहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है DGCA CR 147 का अप्रूवल। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो फेक अप्रूवल लेकर चलते हैं, तो मैं टॉप 10 इंस्टीट्यूट का आपको नाम बताया हूँ, 45 इंस्टीट्यूट का भी मैं नाम बताऊंगा जो DGCA CR 147 से अप्रूव्ड है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि वो जो कॉलेज है वो DGCA CR 147 से अप्रूव्ड है कि नहीं। इसके बाद आपको वहाँ का फैकल्टी देखना है कि वहाँ पे एजुकेशन कैसा है, मतलब जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वहाँ पे कैसे हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये सब आपको देखना है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ बिहार के स्टूडेंट्स की, तो आप में से बहुत सारे लोग ये चाहते हो कि मैं मुंबई चला जाऊं, मैं दिल्ली चला जाऊं, मैं यहां चला जाऊं, मैं वहां चला जाऊं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पटना का BIA कॉलेज है वो भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, वहां पर इंस्ट्रक्टर जो है वो भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, जो वहां से टाइप्स वगैरह हैं, जो ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है वो काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप में से किसी को भी, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ अगर आप बिहार से हो, आप में से किसी को भी अगर एडमिशन के रिगार्डिंग डाउट है कि भाई BIA कॉलेज का, ऑब्वियस ही बात है यार किसी को भी होगा, कोई भी बहुत रिसर्च करके नहीं आता है, तो मैं अपने मीडियम से, मैं क्योंकि चैनल पे वीडियोस बनाता हूँ तो मैं अपने मीडियम से मैं आपको गाइड करूँगा। अगर आपको डाउट, थोड़ा सा भी डाउट होगा, कुछ भी डाउट होगा BIA के बारे में, जो पटना में इंस्टीट्यूट है, कि यार ये कैसा कॉलेज है, पढ़ाई कैसा होता है, एडमिशन लेने से पहले आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मैं आपको A to Z वहाँ का गाइड करूँगा, ठीक है। तो स्पेशली ये था बिहारी स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। और अगर मैं बात करूं बाकी जगहों की, जैसे दिल्ली में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ऑल ओवर इंडिया में स्टूडेंट्स हैं, तो भाई आप जहां से हो, जैसे आप दिल्ली से हो, तो आप कोशिश करो कि दिल्ली में ही कोई DGCA CR 147 अप्रूव्ड में एडमिशन लेने के लिए आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो एनी कोर्स है वो ऑल ओवर इंडिया में इसका मॉड्यूल सेम है, इसका सिलेबस सेम है, इसका सेमेस्टर सेम है, ऑलमोस्ट जो इसका एजुकेशन सिस्टम है वो सेम है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आप जेन्युइनली चाहते हो एमी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो सो गाइस, आप में से बहुत सारे लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फोटोज वगैरह भेजते हैं, कॉलेज का जो प्रोस्पेक्टस होता है वो भेजते हैं, जो कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर होता है वो भेजते हैं, तो यार आप ये पहले भेजा करो, एडमिशन लेने के बाद आप भेज रहे हो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है।
सो यही था हमारा आज का वीडियो, और आशा करता हूँ कि आप में से जो भी एमी स्टूडेंट्स हैं या जो भी एमी में एडमिशन लेने वाले हैं, वो कोई भी कॉलेज के बारे में अगर पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, उसके बाद ही आप वहाँ पे एडमिशन लीजिए, ठीक है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ भाई ये सही है। लेने के बाद आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हो और फिर बाद में पैसा भी आपका वेस्ट होता है, ठीक है। सो गाइस यही था हमारा आज का वीडियो, एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब तो करना ही करना है, वीडियो को लाइक करना है, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ भी आप कमेंट कर सकते हो, एक दिल एक हार्ट ही भेज सकते हो, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी भेज सकते हो प्लीज़, लेकिन कुछ ना कुछ भेजना है, बिकॉज जो वीडियो का रीच है वो और पहुँचे, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे सीधे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, जो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है वो यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पर जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एंड कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी जो आप मुझे पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी एक्साइटिंग मोड में और धमाकेदार कॉन्टेंट के साथ, लेन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू डबल, बट प्लीज डोंट ट्रबल एनी पर्टिकुलर, सी यू, जय हिंद।